नाज़रीन, सियासत तो बहुत हो रही है और ये सियासत 70 साल से हम देखते आ रही है। इनकलाब का नारा अभी भी लग रहा है, लेकिन आज की सियासत को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो इस तरह से कर सकते हैं। अगरचे यहाँ पर बताया जाता है कि हम पानी, बिजली और सड़क के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारा काज दूसरा है। कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर KPDCL की तरफ से एक मैसेज डाली जाती है जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या आज भी इलेक्शंस बिजली, पानी, सड़क के लिए ही नहीं होने चाहिए? अगरचे आज काज दूसरा बताया जाता है, लेकिन पहले ये बुनियादी हकूक जो है वो लोगों को तो दीजिए। आप लोगों ने मीटर भी लगाए और कुछ नॉन मीटर इलाके भी है जहां पर 200 से 300 बिलें आती थी, लेकिन आज वही 10,000 भी बिल आती है जो मीटर्ड एरिया है, और जो नॉन मीटर्ड एरिया है उसमें 300 से लेकर 1800 तक बिल पहुंच चुकी है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जो है वो आज भी हम देख रहे हैं, जो नवंबर से शुरू हुआ था और आज भी ये क्राइसिस बदस्तूर यहाँ पर जारी है। पहले ये बताया जाता था कि पानी की किल्लत यहाँ पर है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, लेकिन आज कौन सा क्राइसिस है? अगर यहाँ पर फीस वसूल किया जाता है तो पावर क्यों नहीं दिया जाता है? अगर फीस यहाँ पर बढ़ाया गया दुगना भी त्रिगुना भी, और इलेक्ट्रिसिटी क्यों उस तरह की नहीं दी जा रही है? आपको सबसे पहले सुनाएंगे जो सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आपको वो पहले दिखाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस काफी ज्यादा चल रही है, उसमें मीटर एंड नॉन मीटर एज वेल उनको भी बिल्स काफी ज्यादा आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस काफी ज्यादा है। We will go through many crises. If these people come, there'll be far greater crisis than what you are facing today. तो आपने देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। इसके बाद हम आपको लोगों के तासुरात भी सुनाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा खफा दिख रहे हैं, और खफा भी क्यों ना हो, क्योंकि उनसे वादे बुलंद बांध किए गए थे, मीटर लगेगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेहतरीन दी जाएगी, और जो मीटर्ड एरिया है उनको बताया गया था कि आपको सबसे बेहतरीन फैसिलिटी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोवाइड की जाएगी। वही नॉन मीटर्ड एरिया के लिए भी ये बताया गया था कि थोड़ा सा फीस में इजाफा होगा, लेकिन आपको भी बेहतरीन सहूलियात दी जाएगी। लेकिन आज नॉन मीटर्ड एरिया में भी त्रिगुना फीस बढ़ाया गया। मीटर्ड एरियाज की तो बात ही नहीं है, वहाँ पर कमज़ोर या गरीब तबके के लोग जो है आज 5,000 मिनिमम उनकी बिल आती है, और मैक्सिमम की तो बात ही नहीं है। यानी कि कुछ लोग तो यहाँ पर अब उन मीटर्स पर भी सवालात उठा रहे हैं। आप भी मुलाहिजा फरमाइए कि क्या यहाँ पर लोकल्स के इसके लिए तासुरात है। ये आज ब्रोन दिन जनाब शेर शेख अहमद त्रोपि बिल पांच तक बिल पावर तो बराबर आसान विकस सह वक्त तम पोल तम ट्रांसफार्मर तम हे फिर बिल त इनक्लोज कर पुरान सिस्टम सिर्फ बिल नारा विकस यूत पावर सिस्टम खराब कि मंदा वन कि पावर जरूरत विकस ये तंग लाइन तुल हूँ बिल विकस पंद बोल कहीं बिल विकस ट्रांसफार्मर तिम नो टोटली बिल्कुल कहीं पावर सिस्टम खराब युत पावर सिस्टम पत्मो दो वे पुछन यह वो जहाँ माह मबारक आसान अमे वज पावर सहरी खेम अमस पावर गुम अमे पावर गा एफ्तियार वादा पावर गा क्या सा पावर कट चौदह घंटे पंद घंटे पावर कट यह मीटर मीटर फ्राड कंपनी मीटर कंपनी फ्राड तुम वो कैसा मीटर कंपनी आई योर हर कह मीटर कंपनी वो आव तुम दा यह मोन मीटर करो पास ये मीटर गई पास इस मीटर लग तुम आन बस समझी वरी गई यह मीटर कंपनी बो ब्या लगे ब्या मीटर जो वरी गा यह मीटर गो खा यह गई फेल कंपनी वो लगे ब्या कंपनी वो लगे स्मार्ट मीटर अपील करा गवर्नमेंटस मेहरबानी मेहरबानी कर पावर सिस्टम ठीक हाजी अब्दुलरजाक मलिक टंगमर्गे पे पावर मुतलिक वनस प्रॉब्लम आए दिन नई नई मीटर नई नई लन नई लन पोल फीस तूत अल्लाह ताला जाना वो हेका वन कस खुदा वनो पावर कुन मगर मीटर तो फीस यह आसमान पे गरीब इस दोस रुपये पाँच हथ रुपये ओर हथ जन या वत पे आई कह चीज कना बे कना या मजूर मजूरी करा तो दिवा बड़ बड़ दवा मगर बदकस्मती बदकस्मती वन पावर मगर बिल तीसा अल्लाह ताला जाना खुदा ताला कर रहम अस पे कि पावर क्राइसिस ये सोन पावर वोता यह नबर ग तमिक फायदा वह कहीं ओडी हाइड्रेट पे जो प्रोजेक्ट बगरार प्रोजेक्ट
اسہِ دَپیٛاکھ تَمہِ دۄہ 10% 14% دِمو تَمیُک پاوَر، مگر یِم چھِ وَنان اورٕ ہَسا چھِ أسۍ مٔلۍ اَنان، صرف چھِ میٖٹرَس کُن لٔگۍمٕتۍ، صرف میٖٹَر لَگاوان، صرف میٖٹَر لَگاوان، بیٚیہِ کَران جُرمَن آیے دِن. سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کورِ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ آسان دۄہَس نالان، مگر یہِ چھُ بَڑٕ اَفسوٗس کَتھ، فیٖسٕے چھُ بَڑاوان، بیٚیہِ چھُنہٕ کینٛہہ پاوَر تہِ چھُنہٕ خاص کینٛہہ. تو آپ نے سُنا کہِ یہاں کے پالٹیشنز لوکلز کافی زیادہ خفا کے پی ڈی سی ایل سے دکھ رہے ہیں، اگرچہ ابھی سمرس کی آمد آمد ہے، سوچئے جب سمر آئے گا تو الیکٹرسٹی کا حال کیا ہوگا، یعنی کہ الیکٹرسٹی کا حال جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہاں پر عوام بے حال ضرور ہونے والا ہے. فردوس لائیو، جانروانی، جے کے نیوز، سری نگر.